हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे पापा हो चुके हैं रेडी और आज है नवरात्रि का डे वन और हम आ चुके हैं सुथारवाड़ा में। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि उदयपुर में बहुत ही बड़ा पांडाल सजाया जाता है और बहुत ही फेमस मतलब की जगह है यहाँ पर। तो यहाँ पे पूरा बल्लियों से पूरा पांडाल सजाया जाता है और 55 फिट ऊपर रोड से माता जी को विराजमान किया जाता है। तो हम लोग वहीं से हैं और पापा भी उसी के लिए रेडी हुए थे क्योंकि वहाँ पे पापा ही करवाते हैं सारा पूजा का। तो यहाँ पे फर्स्ट डे है, उसके साथ फर्स्ट डे के दिन 21 बंदूकों से माता जी को सलामी देते हैं और बहुत ही भव्य माता जी का स्वागत किया जाता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो इस वीडियो का आप लोग कंटिन्यू करिए और व्लॉग को एंजॉय करिए। और इस व्लॉग में मैं आपको मेरे 9 दिन जैसे भी निकले थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने सारी इकट्ठी की है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने सब कुछ दर्शन कर ही लिए होंगे माता रानी के और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लेट में दे रही हूँ, रात की 11:30 बजे, क्योंकि जस्ट अभी हम लोग आए हैं सुथारवाड़ा से। तो आप लोगों ने देखा कि कैसा इतना ग्रैंड एकदम मस्त होता है हमारे यहाँ, पूरा उदयपुर में नंबर वन मतलब हमारे वहीं होता है सुथारवाड़ा मित्र मंडल। तो और भी जिस जिस दिन कुछ स्पेशल होगा मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी और माता रानी के दर्शन आप भी करिएगा। तो मिलते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं डांडिया करने। आज है डे सेकंड नवरात्रि का और मैं भाभी और कॉल आ गया भाभी। हेलो। हाँ भाभी। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं, मेरी गरबा क्लास वाली फ्रेंड्स और मेरी भाभी के कजिन्स वगैरह। कहाँ जा रहे हैं वो तो अभी कोई फिक्स नहीं है, तो मिलते हैं माँ जाके आपको सारी अपडेट। हेलो गाइस, तो इधर हम लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ भाभी के घर से आई थी मैं और इधर ही रेडी हुई थी फिर, और हम लोग फिर रेडी होके डांडिया करने गए थे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। Thank you.
तो गाइस इधर मैं आ चुकी हूँ घाटा वाली माता रानी, जो कि देबारी में इनका मंदिर बना हुआ है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाई हूँ। और यहाँ पे मैं दर्शन करके बाहर आ चुकी हूँ। और इसके बाद मैं गई थी माता आशापुरा माँ, और ये इनका मंदिर है बेड़वास में, और वहाँ पर कैमरा अलाउ था तो मैंने आप लोगों को दर्शन करवाए। वहाँ पर दो माता रानी, दो बहनें हैं, तो दोनों माता रानी विराजमान हैं साथ ही में, तो उन्हीं के आगे मैं दर्शन। यस गाइस, अभी हम लोग आए हैं हमारी ड्रेसेस देखने। लो बेटा आप उधर रखो। मैं आज वो वाली पहन लूँ क्या, बॉयज वाली? हाँ साथ में पहनेंगे ना, तुम भी हमारे साथ होगा कि हम भी तुम्हारे साथ होंगे। हेलो गाइस, तो आज हम लोग रेडी हो गए और मेरी बहन भी आ चुकी है नागवरा से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डांडिया करने। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो लहंगा है ये मैंने डिज़ाइन करवाया है, मम्मी की बहुत ज़्यादा पुरानी साड़ी थी उसी का मैंने ये डिज़ाइन करवाया है अपने ही माइंड से। तो बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा था। Thank you.
तो गाइज ये है सुथार वड़े का अष्टमी के दिन का। अष्टमी के दिन बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है यहाँ पे, और फूलों की वर्षा होती है, महाआरती होती है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, भस्म आरती होती है। तो वो सब मैंने थोड़े थोड़े वीडियो में कैप्चर किए हैं, तो आप लोग देखना और इन्जॉय करिए व्लॉग को। हेलो गाइस, तो मेरी वॉइस को आप इग्नोर करना क्योंकि 9 दिन हो गए तो मेरी आवाज़ भी बैठ गई और मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि अभी हम लोग जस्ट गरबा खेल के आए हैं। अभी बज रहे हैं मतलब 11:30 बजे तक आ गए थे। अभी हमने ड्रेस चेंज करके हम फिर से सुथारवाड़े में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अभी फंक्शन हो रहा है। तो मैं आपको रूम दिखा देख लो आप। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं दशहरे के दिन का, जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन यहाँ पे। और वहाँ जाके मैंने कोई शूट नहीं किया था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मेरी कुछ शूट करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, तो यहाँ पे माता जी का विसर्जन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। ये है खालसा ग्रुप और ये पंजाब से आते हैं, इन्हें स्पेशली इनवाइट किया जाता है सुथारवाड़े की तरफ से। और मतलब ये 9th जो डे होता है ना उसी दिन आते हैं और उसी दिन अपना सारा परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत ही शानदार इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी गए हुए हैं। तो ये पूरा मतलब 9th डे अपना सब कुछ दिखाते हैं, उसके बावजूद विसर्जन में भी साथ में चलते हैं और सब कुछ दिखाते हैं सारी अपनी कर्तव्य। गाइज इधर मैं पहुंच चुकी हूँ नाथद्वारा और ये फंक्शन था मतलब नवरात्रि के कुछ दिन बाद था। बट आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, बट मेरे जो भी कजिन्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे तो वो सब उन लोगों ने फोर्स किया था कि तू हमेशा उदयपुर का तो करती है, तो इस बार नाथद्वारा का देख। और स्पेशली तो खास करके मेरी मौसी की लड़की जो कि आपको पता है नाथद्वारा से आई थी उदयपुर, तो उसने बोला है कि दीदी आप के लिए मैं आई तो आपको भी आना पड़ेगा। तो ये दी मौसी की लड़की, तो और यहाँ पे स्पेशली उस दिन सिंगर भी आए थे गुजरात से, तो बहुत ही अच्छा फंक्शन था। पहले तो हम लोग बहुत बोर हो रहे थे बट लास्ट में बहुत मज़ा आया और मेरी लाइफ में मैं पहली बार इतना मतलब इतना लेट तक हम लोगों ने इंजॉय किया है और मज़े किए। और उसके बाद हम लोग गए थे और जो भी आप लोग देख रहे हो ये सारे मेरे कजिन्स ही है, कोई बुआ के कोई अंकल के लड़के लड़की वगैरह सब लोग हैं। और बहुत मज़ा आया था क्योंकि हम लोग सारी गैंग इकट्ठी हो गई थी, बच्चों पार्टी सारी इकट्ठी हो गई थी, तो बहुत मज़ा आया था। Thank you.
आगर आया मैं तुम्हारे जानू मिले।